नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। इन लास्ट डिस्कशन वी टॉक्ड अबाउट द लाइफ ऑफ परमहंस रामकृष्ण, द बुक रिटन बाय मास्टर महाशय और म महाशय। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर बायोग्राफी दैट हैज़ चेंज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड लाइक एनीथिंग, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मॉडर्न स्पिरिचुअल क्लासिक। Across the globe, it has been translated into all the major languages, all the European languages, and now it is available almost in all the major Indian languages. It's also available in audio form. So if you get to travel and if you are stuck in traffic, you can also benefit by this book. In our Indian culture, वन थिंग हैज ऑलवेज बीन सेड, जिस तरह की जिंदगी आपको बनानी है, अगर आप योगी बनना चाहते हैं तो आपको योगियों के साथ समय बिताना चाहिए, अगर आप एक योद्धा बनना चाहते हैं तो आपको वॉरियर्स के साथ समय बिताना चाहिए, अगर आप भक्ति योगी बनना चाहते हैं तो किसी भक्त के सानिध्य में सीखें। बायोग्राफीज की बहुत भूमिका है। पुराने दिनों में हमारे संतों की बायोग्राफीज लिखी नहीं गई, और ऐसा कहीं ना कहीं इस वजह से भी था कि संत हर जगह अवेलेबल थे। गांव-गांव में संत भ्रमण करते थे, घूमते थे, उनसे आप बात कर सकते थे, अपनी जिज्ञासा, अपनी क्यूरियोसिटी उनसे पूछ सकते थे। आज संत थोड़े कम हैं, वर्तमान दशा को देख के संतों ने अपने आप को छुपा के भी रखा है। ऐसी दशा में हर किसी के लिए ये संभव नहीं होता कि किसी महान संत के साथ फेस टू फेस बैठ सकें, आमने सामने बैठ के उनसे समझ सकें। ऐसे में बायोग्राफीज की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। बायोग्राफीज आज एक ऐसा माध्यम है जिससे आप ऑलमोस्ट उन संतों के साथ फेस टू फेस बैठ के, उनके चरणों में बैठ के सीख सकते हैं जीवन कैसे जीना है, और उनकी जिंदगी को देख के समझ सकते हैं कि एक लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड अ लाइफ ऑफ अनएंडिंग ब्लिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, दैट्स ऑल्सो अ पोटेंशियल इन आवर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। इसी मॉडर्न टाइम्स में अगर हम देखें अलग अलग महापुरुषों को, तो ये ऐसे महापुरुष भी हुए जो अपनी साधना में, अपनी भक्ति में, अपने योग बल में, अपनी तपश्चर्या में किसी भी पौराणिक संतों से कम नहीं थे, और उन्होंने आकर अलग अलग योग के रास्ते में मार्गदर्शन किया, लोगों को बताया। तो इसी श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की। दिस इज पब्लिश्ड बाय YSS विच इज योगोदा सत्संग सोसाइटी, और SRF दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप। These two institutions were created by Swami Yogananda to spread the ancient wisdom of Sri Krishna and Yoga, how to perform Kriya Yoga, which was also mentioned as Raj Yoga in Bhagavad Gita, and how to realize our Supreme Self and how to attain an unending bliss in our life. The essence of yoga, be it bhakti yoga, be it gyan yoga, and be it karm yoga, apart from raj yoga, it is the same. Escaping from the misery of day-to-day life and attaining a perfect blissfulness, a blissfulness that is unending. And the journey starts first with realizing there is a possibility. जब तक महापुरुषों का जीवन पढ़ते नहीं, हमें कई बार रियलाइज भी नहीं होता कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी भी है। योगानंदा वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर योगी टू गेट इन टू यूनाइटेड स्टेट्स अपार्ट फ्रॉम स्वामी विवेकानंदा, एंड स्प्रेड द ट्रू वैल्यू ऑफ योगा टू द होल वर्ल्ड। ही एस्टैब्लिश्ड लॉट ऑफ मोनास्ट्रीज इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ग्रेजुअली अक्रॉस द ग्लोब। He was a saint born in West Bengal like Ramakrishna, and we are always grateful to the land of West Bengal for producing such great spiritual illuminaries. Though considering and seeing the present day West Bengal
इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रियलाइज एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वेस्ट बंगाल कुछ प्रोड्यूस स्पिरिचुअल इल्यूमिनरीज, बट यस दिस ब्यूटिफुल लैंड प्रोड्यूस्ड लुमिनरीज आफ्टर लुमिनरीज ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो जैसा कि उनकी कहानी में हम पढ़ते हैं, उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी को इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में बाबा जी, जो कि एक महान सिद्ध योगी हैं, हिमालय में रहते हैं और हजारों साल से वो लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो उन्होंने उनके गुरु को बताया कि आई एम सेंडिंग यू अ डिसाइपल इन योर कमिंग फ्यूचर हु इज गोइंग टू टेक दिस नॉलेज एंड लेसन ऑफ योगा टू द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड हु विल बी एबल टू कंबाइन द एंशियंट विजडम विद द मॉडर्न साइंस टुगेदर। सो युक्तेश्वर गिरी वेटेड एंड टू अ डिसाइपल ऑफ अनदर ग्रेट ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर श्री श्यामाचरण लाहिरी जी हु वॉज रेजिडेंट ऑफ वाराणसी। सो देर वॉज अ डिसाइपल एंड दे गॉट देयर चाइल्ड एज मुकुंदा। सो व्हेन देयर प्राउड पेरेंट्स टुक मुकुंदा टू लाहिरी महाशय, लाहिरी महाशय ने देखते ही कहा कि ये बालक पूरी दुनिया में हजारों हजारों लोगों को योग और ध्यान के पथ पर ले जाएगा और उनकी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को आगे बढ़ाएगा। दे पेरेंट्स वेर वेरी प्राउड। उसके बाद एक दिन उनकी माता जी को भी, जब वो मेडिटेशन कर रही थी एंड बीइंग डिसाइपल ऑफ श्री लाहिरी महाराज दे वर ऑलवेज मेडिटेटिंग एवरी सिंगल डे। सो वंस दे सी वॉज मेडिटेटिंग अ विजन केम एंड अ साधु सेड आज आपको एक कड़ा मिलेगा चांदी का और अपने बड़े लड़के को आप दे देना अपनी डेथ के बाद। आपकी डेथ के एक साल बाद वो कड़ा उस बालक को दे देगा और जब कड़ा गायब हो जाएगा तब उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपके दिमाग को झंझना देती हैं, आपको सोचने पर मजबूर करती हैं और लाखों करोड़ों लोगों ने उनकी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी को पढ़ा है, भारतीय संस्कृति को उनके जीवन से जाना है। और दरअसल ये एक किसी एक इंसान की बायोग्राफी नहीं, मेरे अनुभव में तो ये एक जेनेरिक बायोग्राफी है किसी योगी की और दुनिया में पहली बार है जब किसी योगी ने स्वयं से अपनी बायोग्राफी लिखी है, विच इज ऑटोबायोग्राफी। अदरवाइज योगीज ऑलवेज रिफ्रेन फ्रॉम राइटिंग अ बायोग्राफी। सो वी नेवर गेट द ऑथेंटिक लाइफ ऑफ अ योगी। हियर देयर इज एन ऑथेंटिक लाइफ ऑफ अ योगी और योग के बहाने और अपने जीवन के बहाने एक तरह से उन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी को पूरे इंडियन कल्चर की इंसाइक्लोपीडिया बना दिया है, चाहे वो वेदांत के फिलोसफी के बारे में हो, चाहे इंडियन म्यूजिक के बारे में हो, चाहे ज्योतिष के बारे में हो। अलग अलग जगहों पे उन्होंने जो पासिंग रिमार्क्स भी दिए हैं वो अपने आप में एक एक किताब के लायक वैल्यूएबल है। और मैं नहीं समझता कि कोई भी जो इस बुक को पढ़ेगा वो अपने इंडियन कल्चर के बारे में फैसिनेट हुए बिना रह पाएगा। आज जबकि हम सारी दुनिया के बारे में जानते हैं, बिल गेट्स के बारे में, स्पिलबर्ग के बारे में और जकरबर्ग के बारे में, कहीं ना कहीं हम अपने इंडियन कल्चर के बारे में अभी भी जानने से रह गए। सो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी इज वन बुक दैट कैन इल्यूमिनेट यू। नाउ दिस बुक इज आउट ऑफ कॉपीराइट, सो ऑलमोस्ट ऑल द पब्लिकेशंस वर देयर सॉल्ट, नाउ दे आर पब्लिशिंग इट। स्टिल इट इज अवेलेबल इन इट्स मोस्ट ब्यूटिफुल फॉर्म बाय द ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन विच वॉज फाउंडेड बाय श्री योगानंद, विच इज इन इंडिया इट इज नोन एज योगदा सत्संग सोसाइटी YSS। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन रांची झारखंड एंड देर इज SRF फॉर इंटरनेशनल ऑडियंसेज आउटसाइड ऑफ इंडिया। SRF इज सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप। नाउ दे हैव गॉट अ वेरी ब्यूटिफुल वेबसाइट ऑल्सो, जस्ट लाइक Amazon, यू कैन गो टू द वेबसाइट, सेलेक्ट द बुक एंड यू कैन गेट इट डिलीवर्ड बाय
a day or two. In Gurgaon, I get it delivered for many friends for gifting purpose. I got it many times, and every single time it was delivered just in a day or two. So you get it. It's available in many versions. This is a small version which is available for my edition is just for 70 rupees. Can you imagine such transformative life available at 70 bucks? And there is slightly bigger one. This is this big compared to this one. It has got this big one has got big fonts, very beautiful pictures. This is for 350 rupees. If you want to read it at home, this is real book-like. It has got some very beautiful lifelike pictures. Yes, in last episode I talked about Ma Mahasaya. So this is the picture of Master Mahasaya who was a teacher of Yogananda also and writer of Sri Ramakrishna Lilamrit. And many a life, and I would say if you get this book, your life is sure going to get transformed. With the book now, they also provide a CD which contains the audio version of the book. And even if you just want to download the audio version, it is available all free at YSS SRF website. I will provide this down in this comment box. So I request every one of you to read Autobiography of a Yogi and understand what yoga has the potential to serve and what kind of things yoga can do to your life. Thanks a lot, dosto. Namaskar.